बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड स्ट्रीट। माय नेम इज सदीम रशीद। आज की जो रेसिपी हम आपके लिए लेके आए, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड फ्रॉम पाकिस्तान, व्हिच इज फ्राइड फिश। व्हाट यूज्ड टू हैपन इज 15-20 ईयर्स अगो पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज में इनफैक्ट फिश फ्राई वाले होते थे एंड पीपल यूज टू गो टू देम जस्ट टू ईट देयर फिश। और ये ऑथेंटिक पाकिस्तानी स्टाइल रेसिपी है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होती। यूजली पीपल, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स, दे सेल लाहौरी फिश, जिसकी रेसिपी टोटली डिफरेंट होती है कंपेयर टू दिस ऑथेंटिक पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड रेसिपी। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ यू कैन ब्रिंग दिस अमेजिंग टेस्ट टू योर होम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर वी गो थ्रू द होल मैरिनेशन प्रोसेस, लेट मी टेक यू थ्रू व्हाट एग्जैक्टली वी गॉट। आई हैव अबाउट 750 ग्राम ऑफ बासा फिलेट। इसके अलावा भी आप कोई और सी फिश इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दैट्स टोटली अप टू यू। आई हैव अबाउट 2-3 कप ऑफ बेसन हियर। इन टर्म ऑफ स्पाइसेस, मेरे पास है ब्लैक पेपर, सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर, अजवाइन, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग अजवाइन वी विल यूज अजवाइन पाउडर इंस्टेड, जो कि मैंने कॉफी ब्लेंडर में इसको पाउडर बना लिया था। अदर देन दैट, हल्दी यूज करेंगे हम। योगर्ट जाएगा इसमें अबाउट 200 ग्राम का, 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा पानी, एंड इस रेसिपी में मस्टर्ड ऑयल का यूज होता है, तो आई हैव मस्टर्ड ऑयल हियर। मेजरिंग स्कूप के लिए आई हैव दीस, जो कि आप इजिली ला सकते हैं फ्रॉम अ डॉलर स्टोर और फ्रॉम समवेयर एल्स, आई टोटली अप टू यू, ये लेकिन हेल्पफुल रहता है काफी। तो स्टार्ट करते हैं मैरिनेशन प्रोसेस को। तो मैरिनेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 2-3 कप्स ऑफ बेसन। सबसे पहले इसको किसी बाउल में ले लें। उसके बाद हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। इसको मैं यहां रख लेता हूं। इन टर्म ऑफ स्पाइसेस, सबसे पहले जाएगी रेड चिली पाउडर, जो कि है 2 टेबलस्पून। So, 1 tablespoon and 2 tablespoon of red chili powder. उसके अलावा जाएगा salt, जो कि है 1 tablespoon, लेकिन I would add more to it as well, क्योंकि ये marination process के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो I would add slightly more than 1 tablespoon. क्यूमिन पाउडर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अजवाइन जाएगा, जो कि रफली अबाउट 1 टेबलस्पून है ये, तो ये सारा अजवाइन पाउडर मैंने इसमें मिक्स कर दिया। ब्लैक पेपर जाएगा अबाउट 1 टेबलस्पून एज वेल। तो मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस इसमें जो जाएंगी वो है 1 टेबलस्पून ईच। और हल्दी भी जाएगी 1 टेबलस्पून। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, जिंजर एंड गार्लिक। इनफैक्ट जिंजर एंड गार्लिक को भी ऐड कर लेते हैं स्टेज पे। और इसमें जाएगा अबाउट 2-3 कप्स ऑफ वाटर। मैं 2.5 इनिशियली ऐड कर रहा हूं, बाद में चाहिए होगा तो वी कैन ऐड मोर टू इट एज वेल। इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लें जस्ट टू सी। और
और बाद में मैं इसको हैंड ब्लेंडर के जरिए इसको मिक्स कर लूंगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है अपने सारे ऑल द स्पाइसेस, ताकि मसाला जो है अच्छे से तरीके से मिक्स हो सके। तो बाकी जो चीजें हैं सच एज ऑयल, वो सबसे एंड में डलेगा, योगर्ट ऑयल वो एंड में हम इसमें ऐड करेंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं यूज करूंगा हैंड ब्लेंडर और इसके जरिए इसको मिक्स कर लूंगा। इन केस आई नीड टू ऐड मोर वाटर, आई कैन लीव द जग हेयर। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है इस वक्त, और मैं हैंड ब्लेंडर को साइड पर रख दूं। हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, मुझ पे थोड़े से छींटे आ गए, इट शुड बी फाइन। अब इसमें ऐड करेंगे दही। उसको फिर से हम मिक्स कर देंगे। तो मस्टर्ड ऑयल ऐड करने से पहले सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें किसी टाइप का बबल नहीं हो, और उसके बाद हम अबाउट हाफ अ कप मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे इसमें। मस्टर्ड ऑयल के जो है उसके फायदे बहुत हैं, और इस वाली रेसिपी में मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि वो खाने के जायके को मजीद बढ़ा दे। तो फ्राइंग वाले आइटम में मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल जरूर होता है। पहले मैं हाथ से थोड़ा सा मिक्स कर लूं, उसके बाद अच्छे से दोबारा से मैं उसको वो कर लूंगा।
हैंड ब्लेंडर यूज कर लूंगा। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया और हैंड ब्लेंडर अगेन यूज करेंगे ताकि ऑयल जो है उसके अंदर अच्छे से चलेगा, मिक्स हो जाए। तो हमारी मैरिनेशन ऑफ फिश इज रेडी। तो इसको मैरिनेट करेंगे हम फॉर अबाउट 2 to 3 hours। तो अब हमारी फिश जो है वो मैरिनेट हो चुकी है। विल लेट इट रेस्ट फॉर अबाउट 2 to 3 hours बिफोर वी विल डीप फ्राइड इन एन ऑयल, और यह हम एयर फ्रायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सी यू आफ्टर 2-3 hours इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हमारी फिश ऑलरेडी मैरिनेट हो चुकी है एंड इट लुक्स अमेजिंग। मैरिनेशन जो है उसको 3 से 4 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको मैरिनेट होने के लिए, और इसको कुक फ्राई करने के लिए मैंने 1 अदद कढ़ाई ले ली है जिसमें काफ़ी सारा ऑयल डाला है, और इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको गर्म कर रहा हूँ ऑयल को। तो लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स ताकि ऑयल गर्म हो जाए, फिर हम इसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो फिश फ्राई की रेसिपी क्यों कंटिन्यू करता है, मैंने ये किया कि एक कढ़ाई ले ली है, उसमें ऑयल डाल के इस फिश को फ्राई करने डाल दिया है ऑन अ मीडियम हीट पे, और इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो फार मैंने सिर्फ एक ही डाली है, और मैं आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद और ऐड करूँगा। इन फैक्ट आई कैन ऐड अनदर वन इन फ्रंट ऑफ यू ताकि आप इसको देख लें। और इसको फ्राई करना है रफली फॉर अबाउट समवेयर बिटवीन 3 to 4 minutes। ये वाली जो है मैंने ऑलरेडी डाल दी थी, एंड इट लुक्स ग्रेट। इसको सेटल डाउन करने के लिए मैंने एक प्लेट ले लिया जिस पे पेपर टॉवल डाल दिया, और यहाँ इसको सेटल डाउन कर रहा हूँ इसको। यहाँ ये एक एक करके मैं इसको फ्राई कर लूंगा एंड विल गिव इट अ टेस्ट। सो द फिश इज फाइनली रेडी एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो लेट्स डिग इन। So I'll take a piece of chunk and hopefully kaante nahi ho usme. So you gotta be careful when you eat it with the fish, right? And it looks absolutely amazing. So what I had done is sprinkle a bit of chaat masala on top already, and I'm gonna add a bit more. Aur isko sauce mein dip karke main khaunga. Ye sauce very special hai, and I'm gonna share a recipe with you guys. So let's give it a try. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amazing. The fish tastes absolutely amazing. It's a perfect authentic recipe that you can share with your family and friends. So I hope to see you guys in the next video inshallah soon.